हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक बार फिर से अपनी सरकार बना ली है, और वो आज संडे को उन्होंने 7 बजे जो है फिर से शपथ ले लिए प्रधानमंत्री पद के लिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आगे ऐसा ही चाहूँगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो आने वाले इंडिया के टाइम को काफ़ी अच्छा करें। तो चलो, इस केक का मैं बता दूं, ये केक मेरे पास 1.5 kg में आया था ऑर्डर, और केक में काम बहुत था इसमें। छोटा दिखने में ऐसे लग रहा है लेकिन काम बहुत था इस केक में। और ये वीडियो जो है वो मेरे पास सर्दियों की थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ चली गई वीडियो, मिल ही नहीं रही थी। तो कुछ मेरे को पिछले हफ्ते मिली, तो मैंने इसको एडिट करके जो है आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो नॉर्मल ही केक है। बाकी मैंने इसकी जो आइसिंग जो है क्रम कोटिंग तो पहले की है, हर वीडियो में बताता हूँ कि क्रम कोट करना जरूरी है। क्रम कोटिंग कर ली है, बाहर से मैंने डार्क ऑफ वाइट से कवर की हुई है। डार्क ऑफ वाइट से कवर करने के बाद मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधी आइसिंग की है। आइसिंग की मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे विजिट करो, देख सकते हो कैसे कैसे करता हूँ। वैसे तो मैं स्टैंड के ऊपर रख के ही करता हूँ, मेरे को वैसे इजी लगती है, लेकिन आपको जैसे नहीं लगता आप बेस के ऊपर भी कर सकते हैं, अपना अपना हिसाब होता है। बाकी केक की आइसिंग हो गई है। बाकी केक की आइसिंग मैंने ऊपर से बिल्कुल बराबर नहीं कट किया हुआ है, थोड़ी सी हाइट रखी हुई है। मतलब आजकल ट्रेंड में है ये, थोड़ा सा मतलब जैसे केक ऊपर से फिनिश होता है उतना नहीं रखते, थोड़ा उठा के क्रीम को रखते हैं। वो उसकी भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो बाकी केक में जो है फोंडेन का काम बहुत था। एक टेडी था, टेडी बहुत ही खूबसूरत बना था मेरे से। मिनी फ्लावर थे, आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं यूज़ किए, मिनी फ्लावर थे। आयरा शर्मा करके मैसेज था। बाकी इसमें जो हल्की हल्की थीम थी वो कॉपर की थीम थी, मतलब किसी लड़की का बर्थडे था, छोटी लड़की का, तो उस हिसाब से ये केक की थीम डिसाइड हुई थी। बाकी आपको कैसा लगा केक, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं। बाकी केक में कुछ खास नहीं, करने वाले के लिए कुछ खास नहीं, बाकी आप ना करो तो बहुत है, ऐसे काम इसमें बहुत है। आप अपने हिसाब से इसको जैसे लगता है वैसे एडजस्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जैसे कस्टमर ने बोला है वैसे आप करो, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। इस बार जो मैंने केक को बेस में कवर नहीं किया, क्रीम से कवर नहीं किया, उसका रीज़न ये है क्योंकि बेस पे काफ़ी सामान आना था, अगर क्रीम से कवर करता तो वो उतना होना नहीं था, मतलब क्रीम खिसकनी थी आगे तो क्रीम का निशान आ जाना था। तो इस तरह से केक था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का आंसर दे दूंगा। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑलवेज।